सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन है, जो पिछड़े हुए हैं, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। हाल ही में वज़ीर आज़म यूएस इजिप्त के दौरे से भारत लौटे हैं और लौटते ही इन्हें मुसलमानों की फिक्र होने लगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को बताना शुरू किया। साथ में पसमानदा मुसलमानों की भी फिक्र होने लगी, सभी को बराबर का हक मिलने की भी बात कही जाने लगी। यकसान सिविल कोड पर यह बहस पहली बार नहीं छिड़ी है, इससे पहले भी कई बार इस तरह का तबसरा बहस मुजाकरे हुए हैं। इस बार शायद इसकी जरूरत मोदी हुकूमत को इसलिए हो रही है क्योंकि हालात इनके मुखालिफ जाते नजर आ रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है लेकिन इसमें कई सारे नुक्ते हमने पेश करने की कोशिश की है। अभी महाराष्ट्र में भी जल्दबाजी के तहत एनसीपी को तोड़कर भाजपा से गठबंधन किया गया और अजित पवार को नायब वजीर आला बनाया भी गया। खैर, महाराष्ट्र की सियासत क्या करवट लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। इतना तो जरूर है कि किसी हार में भाजपा संग मोदी को 2024 का चुनाव जीतना है। हर महाज पर मोदी हुकूमत जलोखार होते हुए भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में यूएस में स्ट्रीट वॉल जर्नल की सहाफी ने भारत में मुसलमानों पर सवाल पूछा तो भाजपा की ट्रोल आर्मी तिलमिलाकर ट्रोल करने लगी। आखिर में खुद वाशिंगटन ने भाजपा के ट्रोलिंग को किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहा। जिस वजीर आजम ने 9 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की बल्कि बिकाऊ पत्रकारों के जरिए, फिल्मी अदाकारों के जरिए तुम थकते क्यों नहीं, आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो, ऐसे ड्रामे खुद ही बनाकर फजीहत कर ली। खैर, यूएस में ट्रोलिंग का तमाशा भी महंगा पड़ा। अब जब भाजपा अंधभक्तों की टोली ने जायजे के तहत एक फैसला ये लिया कि अब चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही जीत सकते हैं और यह हकीकत भी है, लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड का तमाशा खड़ा करने की पुरजोर कोशिश जारी की गई। मुख्तसर, कॉमन सिविल कोड के पीछे महज मुसलमानों को ही निशाना बनाना है ताकि अक्सरियत समाज इससे खुश होकर फिर से मोदी को जिताए और यही सिंपल फंडा इसके पीछे है। जबकि सभी जानते हैं कि भारत में हिंदुओं में ही कितनी जातियां हैं। आज भी दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता, मंदिरों में दाखिला नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि शादियों में दलितों और पिछड़े लोगों को यह हक नहीं कि घोड़े पे चढ़ सके, क्योंकि यह हक सिर्फ आला जात वालों का ही होता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भाजपा के लीडर प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ। अब जब भाजपा पर सवाल उठाए जाने लगे तो मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुजरिम की कोई जाति नहीं होती या किसी पार्टी का वो नहीं होता, मुजरिम तो मुजरिम होता है। जब अपना कोई पकड़ा जाता है या घिनौनी हरकत करता है तो मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता। किस तरह की दोगली पॉलिसी इनकी है आप देख सकते हैं। अगर कोई और करता तो इनका मजहब ही इन्हें सिखाता है, फिर इसके लिए तो टीवी डिबेट जारी हो जाते हैं। किसी फर्जी मौलाना फर्जी बाबा को लाकर धर्म क्या सिखाता है कि बहस कराई जाती है ताकि एक धर्म को लेकर गलत सलत बातें माशरे में फैलाई जाए। अब क्यों सभी खामोश है, किसी गरीब आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर किस इंतहा का गैर इंसानी हरकत जिसे देखकर हैवान भी शर्मा जाए। लेकिन अब तो मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता वाली बात चलाई जा रही है और वजीर आजम मोदी मुसलमानों की फिक्र बहुत करते हैं और इनको फिक्र लगी हुई है मुसलमानों की, मतलब मुसलमानों में भी फिर बंटवारा करने की साजिश वजीर आजम की जानिब से चली जा रही है, ये भी इंतहा की बात कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हजारों जातियां होने के बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही टारगेट करना है। जब अंग्रेज भारत से चले गए तो जाते जाते इन्होंने इस तरह की तकसीम को डालना न भूले, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते, यानी कि अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने वाला संघ भाजपा ने भी इसी फूट डाला और हुकूमत करो को अख्तियार कर लिया।
हिंदू लॉ जिसे हिंदुओं के पुराण और तारीखी किताबों से लिया गया, इसे 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट है जो कंट्रोल करता है हिंदू शादी और तलाक को। साथ में हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो प्रॉपर्टी विरासत में बराबर की तकसीम का हुक्म देता है। इसी तरह मुसलमानों का पर्सनल लॉ है जिसे शरिया कानून के तहत अमल किया जाता है। 1937 के एप्लीकेशन एक्ट के तहत मुसलमानों के तमाम हुकूक बताए जाते हैं, अमल भी इसी तरह किया जाता है। इसी तरह पारसी यहूदियों के लिए भी 1925 के एप्लीकेशन के तहत इनके भी कानून है। मतलब हर मजहब के लिए इनकी तहजीब, इनके रहन सहन के मुताबिक ये हक दिया गया और किसी को भी किसी और के हुकूक से एतराज भी नहीं है। लेकिन भारत में तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड ही तो चलता है। ये अलग बात है कि 85% भोजनों को मुट्ठी भर सवर्णों ने अपने जाति मुफाद के लिए बेवकूफ बनाकर मुसलमानों को मोहरा बनाया और हिंदू राष्ट्र का हवा खड़ा कर दिया। वरना तो भारत में ऐसी कई जातियां हैं जिनका हिंदू मजाहिब की तहजीब से कुछ लेना देना नहीं। एक नैरेटिव के तहत पहले मुसलमानों के खिलाफ हवाएं चलाई गई, अलग थलग करने की तमाम कोशिशें आजादी के बाद से ही जारी रही और धीरे धीरे भाजपा संघ ने आखिर किसी भी तरीके से क्यों ना हो हुकूमत तो हासिल कर ली। अब इसे बरकरार रखने के लिए मुसलमानों से बेहतर बलि का बकरा कौन हो सकता है? तभी तो इस कॉमन सिविल कोड को सबसे ज्यादा विरोध मुसलमान ही तो कर रहे हैं, क्योंकि इसके मजहबी हुकूक भी छीनने की एक तरह की कोशिश और साजिश भी है। हालांकि सही कहा जाए तो भारत का बड़ा तबका हिंदू राष्ट्र के हक में भी नहीं है। अभी कॉमन सिविल कोड को इस स्क्रीन पर दिखाई तस्वीर के जरिए से समझा जा सकता है। स्क्रीन पर तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश करें कि यही कॉमन सिविल कोड है। सभी को समान हक की बात तो है, लेकिन क्या इससे इंसाफ होगा? इस तस्वीर में तीन अफराद नजर आ रहे हैं। जो लंबा है वो भी डिब्बे पे खड़ा है और जो दरमियानी कद का है वो भी डिब्बे पे खड़ा है, थोड़ा छोटा है, मुश्किल से मैच देख पा रहा है, और तीसरा तो कुछ देख ही नहीं पा रहा क्योंकि इसका कद छोटा है। वही दूसरी तस्वीर भी देखिए, जिसका कद जैसा है उसे वैसे सहूलत देने की कोशिश है, जिसका कद छोटा है उसे दो डिब्बे, जो मुश्किल से देख पा रहा है उसे एक। कॉमन सिविल कोड की भी यही हालत है। सभी को अपने अपने मजाहिब के मामलात के मुताबिक फैसले लेने का हक है और यही तो संविधान कहता है। लेकिन उन लोगों को क्या समझाया जाए जिन्हें संविधान से ही मोहब्बत नहीं? वजीर आजम मोदी मणिपुर पर अब तक बोलने को तैयार नहीं है, मुस्तकिल फसाद जारी है और शिद्दत इख्तियार कर रहा है। भाजपा का नेता आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, विदेशों में फजीयत हो रही है, भारत में मजहबी तशद्दुद को लेकर कोई विदेश की कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं और मोदी विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इतना तो जरूर है कि किसी भी कानून के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाकर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। भले मोदी हुकूमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क को फसाद की जद में झोंक कर या हिंदू राष्ट्र बनाकर विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। और सही बात कही जाए तो इससे भाजपा या संघ को भी कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुसलमानों से इन्हें इतनी ही नफरत है तो अक्सरित हिंदुओं को ही क्यों नौकरियां नहीं दी जाती? भारत के विरोध में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका समेत कई दिगर मुल्कों में खालिस्तान हिमायतों ने भारत के परचम की तौहीन और भारत के वजीर आला मोदी के खिलाफ एहतजाज तेज किया है। कई मुल्कों में भारत के एम्बेसी पर हमले किए गए और आग भी लगाई गई। सवाल इतना ही पूछना था कि अगर इस साहब की इतनी ही तोती बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया ने तो मोदी को बॉस कहा है, फिर भारत विरोधी माहौल क्यों बन रहा है और विदेशों में वहां की सरकारें इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या भारत की एम्बेसी पर हमला किया जाए और खालिस्तान की हिमायत में जुलूस झंडे बड़ी तादाद में निकाले जाए और वहां की पुलिस खामोश रहे, ऐसा क्यों? फिर भारत का कितना असर दुनिया के दिगर मुल्कों में है? यकीनन तशद्दुद और भारत के खिलाफ भारतीय के लोगों की जानिब से एहतजाज करना और भारत के तिरंगे का अपमान करना गलत है और इसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, रशिया और यूक्रेन जंग रुका सकता है, जैसे फर्जी खबरें चलाते अंधवक्त नहीं थकते, तो फिर भारत के खिलाफ और भारत के दूतावास पर हमले होना मोदी ताकतवर होने का दावा कितना सही है इससे ही साबित हो जाता है। लिहाजा आलमी सतह पर भारत की होती फजीयत, भारत में बढ़ता मजहबी तफरका, मॉब लिंचिंग जैसी वारदातें, भाजपा नेता का एक गरीब आदिवासी के मुंह पर पेशाब करना, भले गोदी मीडिया छिपाकर इसे भी मास्टर स्ट्रोक कह ले, लेकिन दुनिया तो सब कुछ देख रही है। लिहाजा कॉमन सिविल कोड की आड़ में फिर से हुकूमत हासिल करना भले मोदी भक्तों को आसान नजर आ रहा हो, लेकिन नफरत, दुश्मनी, अदावत की बुनियादों पर कभी हकीकी रामराज्य की इमारत खड़ी नहीं हो सकती, ये भी उतना ही सच है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।